ऊना मुख्यालय पर स्थित इंदिरा मैदान में इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 3 दिनों तक चलने वाले सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में 29 राज्यों की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान भी किया गया। विक्रम ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार खिलाड़ियों और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रही है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट में खिलाड़ियों को मिलने वाली डाइट और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को बढ़ाने की योजना भी बनाई गई। पिछली कैबिनेट के अंदर एक खुली जो हमारी डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन में जो पाया गया है कि जो बच्चे खेलों के टूर्नामेंट्स में आते हैं और जिसमें वो आते हैं, वो किस प्रकार से एक ही टाटा सुमो के अंदर 20-20 लोगों को भर के लाया जाता है। मुख्यमंत्री जी इस बारे में चिंतित थे और जो हमारे खेल मंत्री हैं उन्होंने भी इस विषय को उठाया था। आने वाले दिनों में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनकी उनको जो डाइट मिलती है उसमें वृद्धि होने वाली है और उनको बच्चों को आने जाने का किराया जो प्रस्तावित हुआ है, अभी माना गया है वहां पर, उसके उसमें भी ये पाया किया जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो भी उन बच्चों को दी जाएगी। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विक्रम ठाकुर ने कहा कि पूर्व वीरभद्र सरकार ने प्रदेश में सब्सिडी लेकर बंद किए गए स्किल यूनिट्स में से एक स्किल यूनिट को 3,000 करोड़ की भारी भरकम राशि का अनुदान देने की योजना बनाई थी। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा सरकार प्राकृतिक रूप से सिख हुए उद्योगों के उत्थान का विचार कर रही है। जो सिख यूनिट पूरी के पूरे आपका सब्सिडी लेने के बाद सीख हुए हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिन्होंने सब्सिडी भी ले ली उसके बाद सीख हो गए। हाँ, कुछ कारण रहे हों, कुछ नेचुरल कारण रहे हों जिसके कारण से यूनिट सीख हो गए हों, उनके लिए हम कोई कार्यक्रम बनाने वाले हैं। लेकिन पिछली सरकार ने सिख यूनिट के बारे में एक नीति बनाई थी जिसमें एक ही इंडस्ट्री को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का फायदा मिलने वाला था। ऐसी पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सचमुच में नेचुरल भाव से जो सीख हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें।